नमस्कार, विंध्या सिटी 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं निवेदिता हाजिर हूं आज की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में स्कूलों पर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल शिवराज सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए मध्य प्रदेश में स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में तेजी से आंकड़े बढ़ते रहे हैं। ऐसी स्थिति में 15 जनवरी से 31 जनवरी 2022 तक कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं 20 जनवरी 2022 से होने वाली प्री बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन नहीं होगी। दरअसल 20 जनवरी से होने वाली प्री बोर्ड की परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से ना होकर टेक होम परीक्षा के माध्यम से होगी। प्रश्न पत्र घर पर हल करना होगा। इसके साथ ही साथ हल किए गए प्रश्न पत्र स्कूलों में भेजने होंगे। बता दें कि स्कूलों को बंद करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। जिस तरह से लगातार संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे, ऐसी स्थिति में माना जा रहा था कि जल्द स्कूलों को बंद कर दिया जाना चाहिए। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के तीसरी लहर में केस और अधिक तेजी से बढ़ेंगे। पीक पर पहुंचने के साथ ही रोजाना मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिसको देखते हुए 15 दिन तक स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश बाल मानवाधिकार आयोग द्वारा भी स्कूलों को बंद करने की मांग की गई थी। पत्र लिखकर इस मामले में सचिव ने राज्य शिक्षा केंद्र से स्कूलों को बंद करने पर बड़ा फैसला लेने की अपील की थी, जिसके बाद अब 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के लिए पहली से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। वहीं जिस तरह से कोरोना के बढ़ते केसेस आ रहे हैं, माना जा रहा है कि फरवरी मार्च में कोरोना की तीसरी लहर अपने पीक पर होगी। ऐसी स्थिति में यदि कोरोना के केसों में बढ़ोतरी होती है तो एमपी बोर्ड परीक्षा अप्रैल 2022 में आयोजित की जा सकती है। इधर कॉलेजों की परीक्षा पर अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सबसे पहले नई खबर पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।